सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सूबाई हुकूमत के मातहत एक इदारा है, इसके अफसरान की रिश्वत, लूटमार और नाजायज़ तरीके से एक तरह से जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं उनको पहले सहूलत फराहम करते हैं और फिर जो बेचारे वो लोग कि जो आकर बस जाते हैं वो पैसे देकर अपनी जगह ले लेते हैं और उनको ये भी बता दिया जाता है कि ये सब चीज़ें लीगल हैं, सब लीज़ हुई होती है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का बहाना बनाकर उनको हटाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त कराची के शहरी इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल में है और अफसोसनाक बात यह है कि कराची में जो हुकूमत है यानी एक बल्दियाती हुकूमत है उसका तो ये पहाड़ा है वो कि भाई इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है और किसी भी चीज़ के ऊपर वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, न सामने आने के लिए, न मसले को उठाने के लिए, बस वो एक ही बात करते हैं कि इख्तियार नहीं है। दूसरी हुकूमत सिंध हुकूमत है जो ये सारे कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तहत। तीसरी हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है जिसमें PTI और MQM दोनों शामिल हैं वो भी इस पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते और उनकी जो कराची से वाबस्तगी है वो भी सबके सामने है कि वो कराची को कितना ऑन करते हैं।